आइए सुनते हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित एक रचना पत्नी, कथा श्रुति की आवाज में। शहर के एक ओर तिरस्कृत मकान, दूसरा तल्ला। वहां चौके में एक स्त्री अंगीठी सामने लिए बैठी है। अंगीठी की आग राख हुई जा रही है। वह जाने क्या सोच रही है। उसकी अवस्था 20-22 के लगभग होगी। देह से कुछ दुबली है और संभ्रांत कुल की मालूम होती है। एकाएक अंगीठी में राख होती आग की ओर स्त्री का ध्यान गया। घुटनों पर हाथ देकर वह उठी। उठकर कुछ कोयले लाई। कोयले अंगीठी में डालकर फिर किनारे ऐसे बैठ गई मानो याद करना चाहती है कि अब क्या करूं। घर में और कोई है नहीं और समय 12 से ऊपर हो गया है। दो प्राणी घर में रहते हैं, पति और पत्नी। पति सवेरे से गए हैं कि लौटे नहीं और पत्नी चौके में बैठी है। सुनंदा सोचती है, नहीं सोचती कहाँ है, असल भाव से वह तो वहाँ बैठी ही है। सोचने को है तो यही कि कोयला ना बुझ जाए। वे जाने कब आ जाएंगे। 1 बज गया है। कुछ हो, आदमी को अपनी देह की फिक्र करनी चाहिए। और सुनंदा बैठी है, वह कुछ कर नहीं रही है। जब वे आएंगे तब रोटी बना देगी। वे जाने कहाँ कहाँ देर लगा देते हैं। और कब तक बैठूं? मुझसे नहीं बैठा जाता। कोयले भी लहक आए हैं। और उसने झल्लाकर तवा अंगीठी पर रख दिया। नहीं, अब वह रोटी बना ही देगी। उसने खींच कर जोर से आटे की थाली सामने खींच ली और रोटी बेलने लगी। थोड़ी देर बाद उसने जीने पर पैरों की आहट सुनी। उसके मुख पर कुछ तल्लीनता आई। क्षणभर वह आभा उसके चेहरे पर रहकर चली गई और वह फिर उसी भांति काम में लग गई। कालिंदी चरण पति आए। उनके पीछे पीछे 3 और उनके मित्र भी आए। ये आपस में बातें करते आ रहे थे और खूब गर्म थे। कालिंदी चरण अपने मित्र के साथ सीधे अपने कमरे में चले गए। उनमें बहस छिड़ी थी। कमरे में पहुंचकर रुकी बहस फिर छिड़ गई। ये चारों व्यक्ति देशोद्धार के संबंध में कटिबद्ध हैं। चर्चा उसी सिलसिले में चल रही है। भारत माता को स्वतंत्र कराना होगा और नीति अनीति, हिंसा अहिंसा को देखने का यह समय नहीं है। मीठी बातों का परिणाम बहुत देखा। मीठी बातों से बाघ के मुँह से अपना सिर नहीं निकाला जा सकता। उस वक्त बाघ का मरना ही एक इलाज है। आतंक? हाँ आतंक। हमें क्या आतंकवाद से डरना होगा? लोग हैं जो कहते हैं आतंकवादी मूर्ख हैं। वे बच्चे हैं। हाँ वे बच्चे हैं और मूर्ख। उन्हें बुजुर्गी और बुद्धिमानी होना चाहिए। हमें नहीं अभिलाषा अपने जीने की। हमें नहीं मोह अपने बाल बच्चों का। हमें नहीं गर्ज धन दौलत की। तब हम मरने के लिए आज़ाद क्यों नहीं हैं? जुल्म को मिटाने के लिए कुछ जुल्म होगा। उससे वे डरे जो डरते हैं। डर हम जवानों के लिए नहीं है। फिर वे चारों आदमी निश्चय करने लगे कि उन्हें खुद क्या करना चाहिए। इतने में कालिंदी चरण को ध्यान आया कि ना उसने खाना खाया है, ना मित्रों को खाने के लिए पूछा है। उसने अपने मित्रों से माफ़ी मांग कर छुट्टी ली और सुनंदा की तरफ चला। सुनंदा जहाँ थी वहाँ है। वह रोटी बना चुकी थी। अंगीठी के कोयले उल्टे तवे से दबे हैं। माथे को उंगलियों पर टिकाकर वह बैठी है। बैठी बैठी सोनी सी देख रही है। सुन रही है कि उसके पति कालिंदी चरण अपने मित्रों के साथ क्यों और क्या बातें कर रहे हैं। उसे जोश का कारण नहीं समझ में आता। उत्साह उसके लिए अपरिचित है। वह उसके लिए कुछ दूर की वस्तु है, मनोरम और हरियाली। वह भारत माता की स्वतंत्रता को समझना चाहती है, पर उसको ना भारत माता समझ में आती है, ना स्वतंत्रता समझ में आती है। उसे इन लोगों की इन जोरों की बातचीत का मतलब ही नहीं समझ में आता। फिर भी सच उत्साह की उसमें बड़ी भूख है। जीवन की हौस उसमें बुझती सी जा रही है, पर वह जीना चाहती है। उसने बहुत चाहा कि पति उससे भी कुछ देश की बातें करे। उसमें बुद्धि तो ज़रा कम है, पर फिर धीरे धीरे क्या वह भी समझने नहीं लगेगी। सोचती है, कम पड़ी हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है। अब तो पढ़ने को तैयार हूँ, लेकिन पत्नी के साथ पति का धीरज खो जाता है। खैर, उसने सोचा उसका काम तो सेवा है। बस यह मानकर उसने कुछ समझने की चाह ही छोड़ रखी है। वह अनायास भाव से पति के साथ रहती है और कभी उनकी राह के बीच में आने की नहीं सोचती। वह एक बात जानती है कि उसके पति ने अगर आराम छोड़ दिया है
घर का मकान छोड़ दिया है, जानबूझकर उखड़े उखड़े और मारे मारे जो फिरते हैं, इसमें वे कुछ भला ही सोचते होंगे। इसी बात को पकड़कर वह आपत्ति शून्य भाव से पति के साथ विपदा पर विपदा उठाती है। पति ने कहा भी है कि तुम मेरे साथ दुख क्यों उठाती हो, पर यह सुनकर वह चुप रह गई है। सोचती रह गई है कि देखो कैसी बातें करते हैं। वह जानती है कि जिसे सरकार कहते हैं, वह सरकार उनके इस तरह के कामों से बहुत नाराज़ है। सरकार सरकार है, उसके मन में कोई स्पष्ट भावना नहीं है कि सरकार क्या होती है। पर यह जितने हाकिम लोग हैं वे बड़े ज़बरदस्त होते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इतनी फौज, पुलिस के सिपाही और मजिस्ट्रेट और मुंश और चपरासी और थानेदार और वायसराय, ये सब सरकार ही हैं। इन सब से कैसे लड़ा जा सकता है? हाकिम से लड़ना ठीक बात नहीं है, पर यह उसी लड़ने में तन मन बिसार बैठे हैं। खैर, लेकिन ये सब के सब इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? उसको यही बहुत बुरा लगता है। सीधे साधे कपड़े में एक खुफिया पुलिस का आदमी हरदम उनके घर के बाहर रहता है। ये लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? इतने ज़ोर से क्यों बोलते हैं? बैठे बैठे वह इसी तरह की बातें सोच रही है। देखो अब 2 बजेंगे, उन्हें न खाने की फिक्र है न मेरी फिक्र। मेरी तो खैर कुछ नहीं, पर अपने धन का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ऐसी ही बेपरवाही से तो वह बच्चा चला गया। उसका मन कितना भी इधर उधर डोले, पर अकेली जब होती है तब भटक भटका कर वह मन अंत में उसी बच्चे के अभाव पर आ पहुँचता है। तब उसे बच्चे की वही वही बातें याद आती हैं, वे बड़ी प्यारी आँखें, छोटी छोटी उंगलियाँ और नन्हे नन्हे होठ याद आते हैं, अटखेलियाँ याद आती हैं, सबसे ज़्यादा उसका मरना याद आता है। ओह, क्या मरना क्या है, इस मरने की तरफ तो उसे देखा भी नहीं जाता। यद्यपि वह जानती है कि मरना सबको है, उसको मरना है, उसके पति को मरना है, पर उस तरफ भूल से क्षण भर देखती है तो भय से भर जाती है। यह उसे सहा नहीं जाता, बच्चे की याद उसे मत देती है। तब वह विवल होकर आंखें पोंछती है और हठात इधर उधर किसी काम की बात में अपने आप को उलझा लेना चाहती है, पर अकेले में वह कुछ करे, रह रहकर वही याद, वही वह मरने की बात उसके सामने हो रहती है और उसका चित्त बेबस हो जाता है। वह उठी, अब उठकर बर्तनों को मांझ डालेगी, चौका भी साफ करना है। ओह, खाली बैठी मैं क्या सोचती रहा करती हूँ। इतने में कालिंदी चरण चौके में आए। सुनंदा कठोरता पूर्वक शून्य को देखती रही, उसने पति की ओर नहीं देखा। कालिंदी ने कहा, सुनंदा खाने वाले हम 4 हैं, खाना हो गया? सुनंदा चून की थाली और चकला बेलन और बटलोई, खाली बर्तन वगैरह उठाकर चल दी, कुछ भी नहीं बोली। कालिंदी ने कहा, सुनती हो, 3 आदमी मेरे साथ और हैं, खाना बन सके तो कहो, नहीं तो इतने में ही काम चला लेंगे। सुनंदा कुछ भी नहीं बोली। उसके मन में बेहद गुस्सा उठने लगा। यह उससे क्षमा प्रार्थी से क्यों बात कर रहे हैं? हंसकर क्यों नहीं कह देते कि कुछ और खाना बना दो, जैसे मैं गैर हूँ? अच्छी बात है, तो मैं भी गुलाम नहीं हूँ कि इनके काम में ही लगी रहूँ। मैं कुछ नहीं जानती खाना वाना। और वह चुप रही। कालिंदी चरण ने ज़रा ज़ोर से कहा, सुनंदा। सुनंदा के जी में ऐसा हुआ कि हाथ की बटलोई को खूब ज़ोर से फेंक दे। किसी का गुस्सा सहने के लिए वह नहीं है। उसे तनिक भी सुध नहीं रही कि अभी बैठे बैठे इन्हीं अपने पति के बारे में कैसी प्रीति की और भलाई की बातें सोच रही थी। इस वक्त भीतर ही भीतर गुस्से से घुट कर रह गई। क्यों, बोल भी नहीं सकती? सुनंदा नहीं बोली। तो अच्छी बात है, खाना कोई भी नहीं खाएगा। यह कहकर कालिंदी तैश में पैर पटकते हुए लौट कर चले गए। कालिंदी चरण अपने दल में उग्र नहीं समझे जाते, किसी कदर उदार समझे जाते हैं। सदस्य अधिकतर विवाहित हैं। कालिंदी चरण विवाहित ही नहीं, पर एक बच्चा खो चुके हैं। उनकी बात का दल में आदर है। कुछ लोग उनके धीमेपन से रुष्ट भी हैं। वह दल में विवेक के प्रतिनिधि हैं और उत्पाद पर अंकुश का काम करते हैं। बहस इतनी बात पर थी कि कालिंदी का मत था कि हमें आतंक को छोड़ने की ओर बढ़ना चाहिए। आतंक से विवेक कुंठित होता है और या तो मनुष्य उससे उत्तेजित ही रहता है
या उससे भय से दबा रहता है। दोनों ही स्थितियां श्रेष्ठ नहीं हैं। हमारा लक्ष्य बुद्धि को चारों ओर से जगाना है, उसे आतंकित करना नहीं। सरकार व्यक्ति और राष्ट्र के विकास के ऊपर बैठकर उसे दबाना चाहती है। हम इसी विकास के अवरोध को हटाना चाहते हैं, इसी को मुक्त करना चाहते हैं। आतंक से वह काम नहीं होगा जो शक्ति के मद में उन्मत्त है। असली काम तो उनका मद उतारने और उनमें कर्तव्य भावना का प्रकाश जगाने का है। हम स्वीकार करें कि उसका मन टक्कर खाकर चोट पाकर ही उतरेगा। यह चोट देने के लिए हमें अवश्य तैयार रहना चाहिए, पर यह नोचा नाची उपयुक्त नहीं। इससे सत्ता का कुछ बिगड़ता तो नहीं, उल्टे उसे अपने औचित्य पर संतोष हो जाता है। पर जब सुनंदा के पास से लौटकर आया, तब देखा गया कि कालिंदी अपने पक्ष पर दृढ़ नहीं है। वह सहमत हो सकता है कि हाँ, आतंक जरूरी भी है। हाँ, उसने कहा, यह ठीक है कि हम लोग कुछ काम शुरू कर दें। इसके साथ ही कहा, आप लोगों को भूख नहीं लगी है क्या? उनकी तबीयत खराब है, इससे यहाँ तो खाना बना नहीं। बताओ क्या किया जाए, कहीं होटल चले? एक ने कहा, कुछ बाजार से ही यही मंगा लेना चाहिए। दूसरे की राय हुई कि होटल ही चलना चाहिए। इसी तरह की बातों में लगे थे कि सुनंदा ने एक बड़े से थाल में खाना परोसकर उनके बीच लाकर रख दिया। रखकर वह चुपचाप चली गई, फिर आकर पास ही चार गिलास पानी के रख दिए और फिर उसी भांति चुपचाप चली गई। कालिंदी को जैसे किसी ने काट लिया। तीनों मित्र चुप रहे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि पति पत्नी के बीच स्थिति में कहीं कुछ तनाव पड़ा हुआ है। अंत में एक ने कहा, कालिंदी, तुम तो कहते थे कि खाना नहीं बना है। कालिंदी ने झेप कर कहा, मेरा मतलब था काफ़ी नहीं है। दूसरे ने कहा, काफ़ी है, सब चल जाएगा, देखूं कुछ और हो तो, कहकर कालिंदी उठ गया। आकर सुनंदा से बोला, यह तुमसे किसने कहा था कि खाना वहाँ ले आओ? मैंने क्या कहा था? चलो उठा लाओ थाली, हमें किसी को यहाँ नहीं खाना है, हम होटल जाएंगे। सुनंदा नहीं बोली। कालिंदी भी कुछ देर कुम खड़ा रहा। तरह तरह की बातें उनके मन में और कंठ में आती थीं। उसे अपना अपमान मालूम हो रहा था और अपमान असह था। उसने कहा, सुनती नहीं हो कि कोई क्या कह रहा है और क्यों? सुनंदा ने मुंह फेर लिया। क्या मैं बकते रहने के लिए हूँ? सुनंदा भीतर ही भीतर घुट गई। मैं पूछता हूँ कि जब मैं कह गया था तब खाना ले जाने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा ने मुड़कर और अपने को दबाकर धीमे से कहा, खाओगी नहीं? एक तो बच गया है। कालिंदी निरस्त्र होने लगा। यह उसे बुरा मालूम हुआ। उसने मानो धमकी के साथ पूछा, खाना और है? सुनंदा ने धीमे से कहा, अचार लेते जाओ। खाना और नहीं है? अच्छा, लाओ अचार। सुनंदा ने अचार ला दिया और कालिंदी भी चला गया। सुनंदा ने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा था। उसे यह सूझा ही नहीं था कि उसे भी खाना है। अब कालिंदी के लौटने पर जैसे उसे मालूम हुआ कि उसने अपने लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखा, वह अपने से रुष्ट हुई। उसका मन कठोर हुआ, इसलिए नहीं कि उसने खाना नहीं बचाया। इस पर तो उसमें स्वाभिमान का भाव जागता था। मन कठोर यूं हुआ कि वह इस तरह की बात सोचती ही क्यों है। छी, यह भी सोचने की बात है, और उसमें कड़वाहट भी फैली। हठात यह उसके मन को लगता ही है कि देखो, उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगी। क्या मैं ये सह सकती थी कि मैं तो खाऊं और उनके मित्र भूखे रहें? पर पूछ लेते तो क्या था? इस बात पर उसका मन टूटता सा है, मानो उसका जो तनिक सा मान था वह भी कुचल गया हो। वह रह रहकर अपने को स्वयं को तिरस्कृत कर लेती हुई कहती है कि छी छी सुनंदा, तुझे ऐसी जरा सी बात का अब तक ख्याल होता है? तुझे तो खुश होना चाहिए कि उनके लिए एक रोज भूखे रहने का पुण्य तुझे मिला है। मैं क्यों उन्हें नाराज करती हूँ? अब से नाराज ना करूँगी। पर वह अपने तन की भी सुध नहीं रखते, यह ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ? और वह अपने बर्तन मांजने में लग गई। उसे सुन पड़ा कि वे लोग फिर जोर शोर से बहस करने में लग गए हैं। बीच बीच में हंसी के कहकहे भी सुनाई दिए। ओह, सहसा उसे ख्याल हुआ, बर्तन तो पीछे भी मल सकती हूँ, लेकिन उन्हें कुछ ज़रूरत हुई तो? यह सोचकर झटपट हाथ धोकर वह कमरे के दरवाजे के बाहर दीवार से लगकर खड़ी हो गई। एक मित्र ने कहा, अचार और है? अचार और मंगाओ यार। कालिंदी ने अभ्यासवश जोर से पुकारा,
अचार लाना भाई अचार। मानो सुनंदा कहीं बहुत दूर हो, पर वह तो बाहर लगी खड़ी ही थी। उसने चुपचाप अचार लाकर रख दिया। जाने लगी तो कालिंदी ने तनिक स्निग्ध वाणी से कहा, थोड़ा पानी भी ले आना। और सुनंदा ने पानी ला दिया, देकर लौटी। फिर बाहर द्वार से लगकर ओट में खड़ी हो गई, जिससे कालिंदी कुछ मांगे तो जल्दी से ला दे। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।